जनपद में राप्ती नदी सहित सभी घाटों पर महिलाओं ने पुत्र की लंबी उम्र के लिए छठ पूजा किया। आपको बता दें कि छठ महापर्व नहाय खाय से शुरू हुए शाम के समय प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को नदियों के घाटों व तालाबों पर पहुंचकर व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। अर्घ्य के साथ पूजे जाने वाली छठी मैया का भक्ति भाव से पूजा अर्चना घाटों पर छठ व्रती महिलाओं ने किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी और ड्रोन कैमरे से निगरानी किया गया, जिससे किसी को किसी तरह की असुविधा ना हो। सभी घाटों पर गोताखोरों व एनडीआरएफ टीम की ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि नदी में भ्रमणशील रहकर लोगों की निगरानी कर रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी व छठ पूजा करने वाली व्रती महिलाओं ने कहा। रोज नगाड़े के साथ राप्ती नदी महाराज जी ने व्यवस्था आपके लिए की है। महाराज जी को आपकी Thank you.
ये करीब 10,000 के आसपास भीड़ रही होगी और सूर्यास्त का जो पर्व होता है उसको सकुशल मनाया गया। कहीं कोई किसी तरह की घटना नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था एकदम चौकन्ना थी, जिससे शांतिपूर्वक ये सूर्यास्त का पर्व समाप्त हुआ। कल प्रातः पुनः 2 बजे रात से ही ड्यूटी लग जाएंगी और जो व्यवस्थाएं इस बार कम थी वो सुबह तक ठीक कर ली जाएंगी। सर, छठ पूजा की बहुत बड़ी मान्यता है, हम लोग छठ पूरे मान्यता के साथ करते हैं। ये लोग तो कई साल से रह रही हैं, मेरा पहला साल है सर। माता सबकी मनोकामना पूरा कर दी, इसलिए हम लोग छठ व्रत रहते हैं। पुत्र की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। यस सर, ये पुत्र के लिए भी है, पति के लिए भी है। इससे पुत्र की लंबी आयु होती है और छठ माता सबके घर पे कृपया भी करती है। जी, पिंकी राजवा। छठ माता की जय। हम लोग छठ पूजा रहते हैं, हम लोग की मनोकामना पूरा हुई है। मेरी 10 साल पे मेरी एक बच्ची हुई है। कभी भी मेरे मतलब ना सब खाना पवाना सब कहीं ना कहीं हम देख चुके हैं, लेकिन कभी मेरा पूरा नहीं हुआ। छठ माता को माने हैं इसलिए मेरा पूरा हुआ है। सबको हाँ, सूरज को उगते हुए भी। रीता, इसकी मान्यता बहुत पुरानी है। ऐसे जो भी होता है आदमी माता रानी सबकी संकट दूर करती हैं। ऐसे बहुत ही अच्छा माना जाता है ये व्रत। सारी मनोकामना छठ माता हमारी पूरा करती हैं। जो भी दुख मुसीबत होता है, जो भी परेशानी आती है, छठ माता प्रार्थना करे सारी मुसीबत दूर हो जाती है। जी, सुनीता प्रजापति।